रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है। उस डिवाइस का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 नैनो डिटेक्टर, 2 नैनो स्निफर, 3 नैनो सेंसर, 4 नैनो ट्रेसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नैनो स्निफर। दुनिया का पहला माइक्रोसेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर ETD नैनोस्निफर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया है। नैनोस्निफर किसी भी प्रकार के सैन्य, वाणिज्यिक और घर के विस्फोटक का पता लगा सकता है और सूरज की रोशनी में पठनीय रंग प्रदर्शन के साथ दृश्यमान और श्रव्य अलर्ट दे सकता है। निम्न में से किस निकाय ने ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 योजना आयोग, 2 राष्ट्रीय विकास परिषद, 3 भारतीय रिजर्व बैंक, 4 नीति आयोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन डिस्प्यूट रेसोल्यूशन ODR हैंडबुक लॉन्च किया है। यह नई हैंडबुक आगामी और ओमिडियार नेटवर्क इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया है। ज्योतिराव फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 1 सत्यशोधक समाज, 2 आत्मीय सभा, 3 ब्रह्मो समाज, 4 धर्म सभा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सत्यशोधक समाज। 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले की जयंती थी, जिन्हें भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का श्रेय दिया जाता है। ज्योतिराव फुले को महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिराव फुले या ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। वो महाराष्ट्र से थे। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारतीय विद्यापीठ ने निम्न में से किस श्रेणी में महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन नंबर 1 महिला उद्यमिता, 2 साक्षरता, 3 डिजिटल साक्षरता, 4 महिला स्वास्थ्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिजिटल साक्षरता। महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती अवार्ड 2020 केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रस्तुत किया गया। AICTE लीलावती अवार्ड 2020 पुरस्कारों के विजेताओं को AICTE ने महिला सशक्तिकरण थीम के आधार पर अंतिम रूप दिया था। भारतीय विद्यापीठ ने डिजिटल साक्षरता की श्रेणी में महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती अवार्ड 2020 जीता है। विश्व पार्किंसंस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 10 अप्रैल, 2 11 अप्रैल, 3 12 अप्रैल, 4 13 अप्रैल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 11 अप्रैल। पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियों में अनैच्छिक झटके आते हैं। पार्किंसन के कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। यह अल्जाइमर रोग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे आम न्यूरोडिजेनरेटिव विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो ब्लैक होल के टकराव से संबंधित गुरुत्वाकर्षण तरंगों की घटना को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक सायरन, 2 डार्क सायरन, 3 ब्लैक ड्वार्फ, 4 व्हाइट ड्वार्फ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डार्क सायरन। डार्क सायरन दो ब्लैक होल की टक्कर कही जाने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की घटनाएं कॉस्मोलॉजी में संकट को हल कर सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर दो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों के टकराव या डार्क सायरन का पता लगा सकते हैं। साधारण दूरबीन उनका पता नहीं लगा सकती। डार्क सायरन उच्च परिशुद्धता के साथ हबल स्थिरांक की गणना में मदद कर सकते हैं। हाल ही में टाटा ने पेट्रोनास के साथ लगभग $2 बिलियन का सौदा समाप्त किया। पेट्रोनास किस देश के स्वामित्व में एक तेल और गैस कंपनी है? 1 बांग्लादेश, 2 इंडोनेशिया, 3 श्रीलंका, 4 मलेशिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मलेशिया। टाटा ने मलेशियाई राज्य के स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी पेट्रोनास के साथ लगभग $2 बिलियन का सौदा समाप्त कर दिया। टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने पिछले साल अपने स्वच्छ ऊर्जा मंच के लिए $500 से $750 मिलियन जुटाने के लिए कदम उठाए थे। नौरा अल मत्रोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 ईरान, 2 बांग्लादेश, 3 संयुक्त अरब अमीरात, 4 पाकिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है। नौरा अल मत्रोशी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। UAE ने पुरुष अंतरिक्ष यात्री के नाम की भी घोषणा की। मोहम्मद अल मुल्ला घोषित पुरुष अंतरिक्ष यात्री है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 4,000 से अधिक आवेदकों के बीच चुना गया। दोनों को टेक्सास के ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षित किया जाएगा। मेजर हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं।
उन्होंने 2019 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन बिताए थे। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर इलेक्ट्रिक नीले टीलों की तस्वीरें साझा की है। तस्वीर को किसके द्वारा लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ओडिसी ऑर्बिटर, 2 थोप ऑर्बिटर, 3 मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर, 4 मंगल ऑर्बिटर मिशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओडिसी ऑर्बिटर। नासा ने मंगल ग्रह पर इलेक्ट्रिक नीले टीलों की तस्वीरें साझा की है। थर्मल इमिशन इमेजिंग सिस्टम थीमिस के उपयोग से तस्वीरें को ओडिसी ऑर्बिटर द्वारा लिया गया है। तस्वीरें दो प्रकार के टीलों को दर्शाती है, एक का रंग पीला और दूसरा रंग का नीला है। तस्वीर में नीला रंग ठंडे तापमान वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पीला और नारंगी रंग गर्म क्षेत्रों को दर्शाता है। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस राज्य में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना, 2 बिहार, 3 कर्नाटक, 4 जम्मू और कश्मीर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जम्मू और कश्मीर। केंद्रीय खेल मंत्री ने श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ISCE का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर में महिला फुटबॉल लीग का भी आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 145.16 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। यह जम्मू और कश्मीर के 2 के ISCE में से एक है। वर्तमान में देश भर में 24 के ISCE हैं। इनमें से प्रत्येक में खिलाड़ियों को ओलंपिक में शामिल खेलों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।